गेहूं के आटे से बनी एकदम नई और चटपटी सी रेसिपी बनाएंगे। स्वागत है आपका इंडियन फूड से तुसा में। तो चलिए झटपट बनाना शुरू करते हैं। मिक्सी जार में 2 से 3 मोटे टुकड़ों में कटा हुआ हरी मिर्च डालेंगे, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और ढेर सारा धनिया की पत्ती डालकर इसे सूखा दरदरा सा पीस लेंगे। इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है और इसे हमें बिल्कुल दरदरा सा पीसना है। यहाँ हमने 2 उबला और मैश किया हुआ आलू लिया हुआ है। इसमें हम स्वाद के अनुसार थोड़ा सा सफ़ेद नमक डाल देंगे और आधी छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर और आधी छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। साथ में इसमें हम 1 छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स या कुटी हुई लाल मिर्च। सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप चाट मसाला पाउडर के जगह पर आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम पिसा हुआ चटनी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। हाथ से इसे हम एक सार कर लेंगे यानी कि एक बराबर कर लेंगे। आधा टुकड़ा नींबू का रस निचोड़ देंगे ताकि थोड़ा सा ये चटपटा बन जाए और सबको अच्छी तरह से मिला देंगे। अब एक बोल लेंगे, इसमें डाल देंगे 1/2 कप गेहूं का आटा। साथ में इसमें डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच चावल का आटा रेसिपी को क्रिस्पी बनाने के लिए। साथ में डाल देंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स या कुटी हुई लाल मिर्च, आधी छोटी चम्मच जीरा और मिक्सी जार धुल करके जो थोड़ा सा चटनी लगा हुआ था इसमें डाल देंगे और पहले अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक हम पतला सा घोल तैयार करेंगे। तो बीच बीच में इस तरीके से हम पानी डालते जाएंगे और इसे फेंटते हुए घोल लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और थोड़ा सा बारीक कद्दूकस किया हुआ गाजर और दोनों को अच्छी तरह से मिला देंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते तो प्याज ना डालिए, बिना प्याज कैसे बना सकते हैं। और यहाँ हमारे पास ये लगभग 1 कटोरी गूथा हुआ आटा रखा हुआ है पहले से ही। इसको हम अच्छी तरह से चिकना कर लेंगे। तो थोड़ा सा ये गूथने के बाद नरम हो जाता है, इसमें हम थोड़ा सा सूखा आटा और डाल देंगे और थोड़ा सा इसे कड़क कर लेंगे। इसे 2 भागों में तोड़ लेंगे यानी कि काट लेंगे और 1 भाग का इस तरह से छोटा सा लंबा सा रोल बनाएंगे और दूसरे टुकड़े का भी इसी तरीके से छोटा सा लंबा सा रोल बनाएंगे। अब एक रोल को इस तरीके से हम बड़ा कर लेंगे पतला सा और दूसरे वाले रोल को भी इसी तरीके से पतला कर लेंगे। दोनों को बराबर कर लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल लगा देंगे इस तरीके से। अब एक रोल को इस तरीके से मोड़ते हुए लास्ट छोर तक लाएंगे, जैसे हम लच्छा पराठा बनाते हैं बिल्कुल उस तरीके से। नीचे वाले भाग को अंदर मोड़ करके डाल देंगे और इसे चपटा कर लेंगे इस तरीके से। अब इसे हम किनारे रख देंगे और दूसरे वाले रोल को भी इसी तरीके से एक छोर से मोड़ते हुए ले आएंगे लास्ट छोर तक और लास्ट वाला जो छोर है नीचे उसको करके इस तरीके से दबा देंगे। बिल्कुल लच्छा पराठा की तरह इसे हमें बनाना है। इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क देंगे यानी कि परथन लगा देंगे और इस तरीके से इसे चपटा करके बड़ा कर लेंगे। अब इसे बेलन से हम बेल लेते हैं। रोटी की तरह इसे हमें पतला सा बेलना है, ये देखिए जैसे हम रोटी बनाते हैं ना बिल्कुल उस तरीके से। अब इसके ऊपर थोड़ा सा टोमेटो केचप लगा देते हैं, आप कोई सा भी मीठी चटनी लगा सकते हैं और इस तरीके से इसे फैला देंगे। चारों तरफ से फैला देना है। अब ये आलू वाला मिश्रण इसके ऊपर रख देंगे और इसे अच्छी तरह से फैला देंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा आलू का ज़्यादा प्रयोग करेंगे और इस तरीके से इसे बराबर कर लेंगे। इसके ऊपर बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। तो जैसा हमने बोला कि अगर आप प्याज नहीं खाते तो इसे ना डालें, बिना प्याज का भी इसे बना सकते हैं और इस तरीके से इसे चिपका देंगे। अब इसे हम काट लेंगे। तो इस तरीके से हम पतले पतले टुकड़ों में इसे काटेंगे। आप चाहे तो इसे भी पतले टुकड़ों में इसे काट सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से। अब इन सारों टुकड़ों को हम किनारे रख देंगे, ये देखिए इसे हम किनारे रख देंगे और दूसरी वाली लोई को भी इसी तरीके से हम बड़ा कर लेंगे। सूखा आटा लगाएंगे और एक बड़ी सी रोटी बनाएंगे। रोटी की तरह इसे पतला कर लेना है। इसके ऊपर हम ये ग्रीन चटनी डाल देंगे, ग्रीन चिली सॉस हमने डाला हुआ है, आप कोई सा भी तीखी चटनी डाल सकते हैं। इसके ऊपर ये आलू रख देंगे, आलू का मिश्रण, और इस तरीके से इसे फैला देंगे बराबर। इसके ऊपर कद्दूकस किया हुआ गाजर डाल देंगे, आप शिमला मिर्च भी बारीक काट करके डाल सकते हैं और इसी तरीके से इसे हम पतले पतले टुकड़ों में काट लेंगे। अब जो पहले हमने टुकड़े कटा हुआ था
इसके ऊपर इस टुकड़ों को इस तरीके से रख देंगे, तो जैसे हम सैंडविच बनाते हैं ना बिल्कुल उसी तरीके से, दोनों को इस तरीके से चिपका देना है। एक और मैं दिखा देती हूँ, एक टुकड़ा लेंगे, इसके ऊपर दूसरा टुकड़ा रखेंगे और इस तरीके से हम थोड़ा सा चिपका देंगे। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ गैस चलाकर हमने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल को तेज आंच पर गर्म कर लिया। इसमें से एक चम्मच ये रिफाइंड ऑयल लेंगे, गर्म है, और इस बैटर में डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और इसके बाद ये जो हमने गेहूँ के आटे का जो रेसिपी बनाया है इसमें डिप कर देंगे, यानी कि अच्छी तरह से कोट कर लेंगे और इस गर्म तेल में से डाल देंगे। इसी तरीके से दूसरे टुकड़े को भी हम डिप करेंगे आटे में और इसे गर्म तेल में डाल देंगे। जितना तेल है, जितना ये आएगा उतना हम डाल देंगे। तीन टुकड़ा हमने डाल दिया। अब जैसे एक तरफ से नीचे से ब्राउन हो जाएगा इस तरीके से हम पलट देंगे। तो जब थोड़ा सा ये कड़क हो जाए तभी आप पलटें, पहले पलटेंगे तो क्या होगा कि आपके ये जो छनौटा है उसमें चिपक जाएगा। और दोनों तरफ से इसे हम पलटते पलटते हुए इस तरह से गोल्डन ब्राउन यानी कि कड़क हो जाने तक फ्राई करेंगे और इसे हम बाहर निकाल देंगे। बचे हुए बैटर को भी इसी तरीके से टुकड़े डालते जाएंगे और फ्राई कर लेंगे। इसको हमने थोड़ा सा पतले टुकड़ों में काटा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब पूरे तेल को हमने निकाल दिया, 2 से 3 चम्मच इसमें तेल छोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, कुछ बच्चों के लिए बना लेते हैं। तो इस तरीके से आप एक टुकड़े को ऊपर से हटा दीजिए और बीच में थोड़ा सा चीज़ लगा दीजिए, हमने मोजरेला चीज़ का इस्तेमाल किया है, और ऊपर से इस टुकड़े से अच्छी तरह से कवर कर दीजिए। थोड़ा सा नीचे से हम चिपका देंगे इस तरीके से और बैटर में अच्छी तरह से इस टुकड़े को डिप कर लेंगे और तेल में डाल देंगे। तो इसे हम डीप फ्राई नहीं करेंगे। डीप फ्राई करने से क्या होता है, कभी कभी चीज़ जो है वो बाहर निकल जाता है। कम तेल में इसे इस तरीके से हम सेकेंगे। दूसरे टुकड़े को भी इसी तरीके से हमने डाल दिया। जैसे ही नीचे से थोड़ा सा डार्क होगा इस तरीके से हम पलट देंगे और दोनों तरफ से धीमी आँच पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे, यानी कि कड़क होने तक। और थोड़ा सा बैटर बचा था तो ये देखिए हमने हरी मिर्च को भी इसमें मिलाकर फ्राई कर लिया और ये हमारा गेहूं के आटे का नाश्ता बनकर के तैयार हो गया है। और ये हरी मिर्च की साथ में हमारे पकौड़े भी बनकर के तैयार हो गए हैं। ये देखिए ये भी काफ़ी टेस्टी लगता है, आप एक बार खाएंगे ना यकीन मानिए इसे बार बार बनाना चाहेंगे। मैं इसे काट करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मैं तोड़ करके दिखा दे रही हूँ। कम समय में काफ़ी आसान तरीके से अगर आपके पास गेहूं का गूथा हुआ आटा रखा हुआ है या फिर आप तुरंत आटे को गूथ करके इस रेसिपी को बना सकते हैं। यकीन मानिए बच्चे हो या बड़े हो सबको काफ़ी पसंद आता है। बच्चों के लिए आप थोड़ा सा इसमें चीज़ डाल करके इस तरीके से बना दीजिए, थोड़ा सा मैगी मसाला डाल करके आलू के मिश्रण में बना दीजिए, और बड़ों के लिए सिंपल सा आलू को मैश करके, अगर चटनी नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें नॉर्मल मसाला आप डाल करके इसे बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को यकीन मानिए एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक से और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।